पंतप्रधान आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत छोट्या उद्योगांना आपत्कालीन विनातारण पत हमी योजनेसाठी आणखी 50,000 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा काल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं केली. या निर्णयाचा पर्यटन आणि प्रवास आणि आदरातिथ्य या क्षेत्रांना पुन्हा चालना मिळण्यासाठी मदत होईल असं मत IMC चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अनंत सिंघनिया यांनी व्यक्त केलं. 4.5 लाख करोड़ का जो सपोर्ट दिया था इंडस्ट्री को MSME के लिए, ज़्यादातर उन्होंने 50,000 करोड़ दिया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए. ये सेक्टर बहुत मुश्किल टाइम से बीता है क्योंकि कोविड पैंडेमिक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे चीज़ों से है. तो ये क्रेडिट जो ये MSME जो प्लेयर्स हैं हॉस्पिटैलिटी में टूरिज्म में है, ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि उन्हें जो डेट है हाई डेट है, 2 साल उनको कुछ सर्विस करने के लिए कुछ पैसे नहीं मिले हैं. तो ये क्रेडिट जो उनको सस्ते भाव में मिलेगा उससे उनको बहुत फ़ायदेमंद लगेगा. एक दूसरा चीज़ है जो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाया है पिछले 2 साल से क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वो कम्प्लीटली नॉट यूटिलाइज या अनयूटिलाइज थी. तो ये पैसा उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग, द लॉन्ग टर्म आइडिया इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया. तो हम चाहते हैं कि ये जो ये स्कीम है जो उन्होंने मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया है तो ये बहुत बेनिफिट होएगा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए. राज्यात आज दिवसभरात 2,246 नवे कोरोना रुग्ण आढळले.